मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और सुबह के बज रहे 8:30। मैं उठ चुकी हूँ, नहा ली हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने क्योंकि आज के दिन सीधा निकलता है जिसमें सारे अनाज वगैरह वो करके हाँ पंडित जी को दिया जाता है। और एक ये है, इनका अभी सुबह हुआ नहीं है और इनको ऑफिस भी जाना है पर उठने का नाम नहीं ले रहा है। हो उठे तो फिर चलते हैं पूजा करने, मिलते हैं बाद में। तो ये अभी अपना व्रत खोलते हुए, व्रत तो रात में खोल लिया था। वाह, चलिए रात में जो किए वो किए। अभी आप क्या खा रहे हैं? अभी सुबह के टाइम पूजा करने के बाद चना और कुछ मीठा खा के पानी पिया जाता है, तो ये वो कर रहे हैं। और ये रहा सीधा, इसे सीधा कहते हैं। इसमें देखिए दाल चावल और ये आटा, केला, खीरा, इसमें आलू है, हल्दी, नमक, पापड़, अचार और ये सुहाग की चूड़ी 11 रुपए ये होता है। और ये सब कुछ एक में करके ये भाई साहब लेके जाएंगे, पंडित जी को दे देंगे। क्या है यार नाश्ते में? वाह, जलेबी है, छोला है, छोले वाला छोला, चाय भी है। तो ये जो है ना, ये छोला चना, इससे ही व्रत लोग खोलते हैं। कितनी चीज से व्रत खोलते हैं यार, पेड़ा से भी खोलते हैं। सुबह जब कटते हैं तो फिर वो ही मतलब यही छोला वाला खाता है, चना खाता है। अच्छा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा मना है आँख के ऑपरेशन की वजह से, जैसे सर्व कर रही हूँ। देखते हैं, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया है, बड़ा अच्छा है। अच्छा, और फिर जलेबी खा लेते हैं, फिर चाय चाय ठीक है। अरे ठीक है, मम्मी आइए। अलग अलग प्लेट में आओ। नहीं ठीक है यार, अच्छे नहीं लग रहे हैं सर, तो उठे हैं। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, लंबा सो गए। एक बात बताओ कि तुम्हारा पति तुमको कोई गिफ्ट नहीं दिया तीज पे, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? मेरा पति हमेशा हट के काम करता है ना। अच्छा, अरे ठीक है, अच्छी लग रही है। नहीं अच्छा लग रहा है सर, तो क्या है क्या? हमारा पति तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। बुक और कॉपी मत ले आना। अरे यार अभी तो यही लाया हूँ ना, उसको ऐसा हो सकता है। बुक कॉपी गिफ्ट नहीं हो सकता है क्या? अच्छी बुक है, मोबाइल से ना मना है। बुक और कॉपी तो नहीं ले आए हो? ले लो।
अरे यार एक लक्ष्मीकांत ला के रखे हो तो, अरे वाह बड़ा सुंदर है। ऐसे ही विनीत फूफा जी भी दे रहे थे, मतलब इतना वो नहीं था। ये पता मैथिली वो है, क्या कहते हैं सुनो ना, हाँ बिहार की, सुंदर लग रहा है। ये तो कैलेंडर रखो, कैलेंडर का यूज नहीं है, फोन में देख लेती हूँ। ये अच्छा लग रहा है, इसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख लूंगी। ये कैसा टिफिन बॉक्स है, तुम्हारे लिए। ये नाम तो कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, है? खोल नहीं रहा क्या तुमसे? अरे टेप लगा हुआ है। क्या है इतना थोड़ी डालना, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, मेरा सही ना। ओहो वाओ, पर ये तो अपने सर की वाइफ के लिए पसंद कराए थे ना। किस सर की वाइफ को पसंद नहीं आया तो उन्होंने मुझे दे दिया। सही बताओ, ये प्रभाकर सर के लिए था ना, कैसे निकलेगा? और बहुत सुंदर है यार, मतलब ये जितना पिक्चर में दिख रहा था उससे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। स्मॉल पल पर क्यूट, बताओ ना। ये बताओ प्रभाकर सर के लिए था ना, तो ये यहाँ कैसे आ गया? ऐसे ही मेरा मन किया तो मैं लेते आया। ये निकलेगा कैसे, दो मंगाए तो उनको चाहिए ही नहीं था। मैं तुमसे झूठ बोल रहा था क्या कि उनके लिए है? वो शुरू से झूठ बोल रहे थे कि वो बोले थे नहीं, वहाँ वो बोले थे वहाँ तक सच था, उसके बाद का झूठ था। ये डायमंड है, छोटा है पर सच में बहुत प्यारा है। थैंक यू भी बहुत सुंदर लग रहा है यार मेरे को। थैंक यू, वैसे वो बहुत सुंदर है देख लो। और ऐसे मुझे ना छोटा सा चाहिए था, मतलब कि चाहिए नहीं था पर ऐसा लगता था कि हाँ एकदम छोटा सा ऐसे वो, और बहुत ही प्यारा है छोटा है क्यूट। और सबसे अच्छा ये है, कुकी इज द बेस्ट गिफ्ट कुकू हैज एवर गॉट। हैप्पी फर्स्ट प्लीज टू अस कुकी, थैंक यू। चलो अब सबको बाय बाय बोलने का टाइम है। सही में हमेशा सरप्राइज मतलब अच्छा लगता है, लोग कहते हैं पर कभी कभी ये सब चीज़ें ना बहुत टची हो जाती हैं। और इसी के साथ आज ये तीज का ब्लॉग एंड होता है, और आप सबको हैप्पी तीज, आने वाली भी तीज, इस वाली तीज के लिए भी ऐसे ही आप लोग प्यार से रहे जो भी कपल हो। और ये जो साथ में रहने वाला होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, जैसे कि लड़कियों को भी बहुत अच्छा लगता है अगर हस्बैंड रहता है। वो कहने की बात होती है पर सच में कहीं कहीं ना बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ इतना टफ रख बिना पानी के कोई रहा है मेरे लिए, तो वो चीज़ मुझे बहुत फील किया हुआ है इस बार। इसके लिए बहुत थैंक यू इस तापे वाले इंसान को। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करने को कौन? हाँ सॉरी प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई वीडियोस चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो लोग सब्सक्राइबर हैं वो लोग देखिए, क्योंकि हम लोग की वॉच हिस्ट्री में 98% लोग वो है जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, और जो सब्सक्राइब किए हैं उनका केवल 2% है। तो आप लोग फॉलो करिए यार, देखा देखा करिए। तो आज बिना सब्सक्राइब किए ब्लॉग को चैनल को नहीं जाना है, ये आप सबके लिए तीज का टास्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिर बाय बाय।